नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज यादव आज हिंदी की कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को शब्द प्रकार शब्द समूह का भाग 2 समझाऊंगी। किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार या शब्द समूह कहते हैं। हिंदी भाषा के शब्द समूह में 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशी। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव समझा चुकी हूँ। आज मैं आपको देशज और विदेशी शब्दों के बारे में समझाऊंगी। देशज, देश प्लस जा देशज। देशज का अर्थ है जो देश में ही जन्मा हो, अर्थात अंचल विशेष में प्रयुक्त बोलियों या अन्य अज्ञात स्रोत से जो शब्द आकर भाषा में जुड़ जाते हैं उन्हें देशज कहते हैं। ये शब्द न तत्सम न तद्भव और न विदेशी होते हैं। विद्वानों का ऐसा मत है कि देशी शब्द जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों के अनुसार ना हुई हो वे देशज कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे टट्टू, घपला, टंटा, पंगा, गेला अर्थात पगला, मोड़ा अर्थात बेटा, बीननी अर्थात दुल्हन, निसरड़ा अर्थात ढीठ, बेंडा अर्थात टेढ़ा आदि। इसी प्रकार से हम यदि देखें तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम हमारे देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। देशज शब्द भाषा में आंचलिक रंग भरते हैं। ये शब्द बड़े सहज और बोलचाल की भाषा में घुले मिले होते हैं। इनसे भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। कभी कभी देशज शब्द का पर्यायवाची शब्द मिलना कठिन होता है। विदेशी शब्द, पिछले 1000 वर्षों से भारत में तुर्कों, मुगलों, पठानों, अफगानों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डचों, जर्मनों आदि का आगमन होता रहा। 16वीं शताब्दी से उपयुक्त यूरोपीय देशों की भाषाओं से भारतीय भाषाओं का संपर्क हुआ। विदेशी शब्द धीरे धीरे दैनिक व्यवहार में आने लगे और हिंदी में घुल मिल गए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 11वीं से 16वीं शताब्दी तक फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के 2500 शब्द, पश्तो के लगभग 50 और तुर्की के 125 शब्द हिंदी में आए। 16वीं शताब्दी के बाद से ही यूरोपीय देशों के शब्द हिंदी में आने लगे थे। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द से तात्पर्य है अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द। हिंदी में समय समय पर पश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, चीनी, जापानी, जर्मन, लेटिन आदि भाषाओं के शब्द घुल मिल गए। व्यापार, राजशासन, ज्ञान विज्ञान तथा धर्म आदि के प्रसार के कारण भाषा का फैलाव होता है और भिन्न भाषाओं के द्वारा एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में घुल मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संसार की कोई भी भाषा पूर्णतः शुद्ध नहीं है, हो भी नहीं सकती। वह नदी की तरह बहती रहती है जिसमें अन्य नदी नालों का जल मिला करता है। इसी प्रकार हिंदी में भी विदेशी भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं। जैसे किताब अरबी भाषा का शब्द है, केची तुर्की भाषा का, कोट अंग्रेजी का, कमीज, बोतल, अचार, गमला पुर्तगाली शब्द है, कूपन फ्रेंच शब्द है, तुरुक स्काउट, बम ड्रिल डच, रिक्शा जापानी शब्द है, चाय तूफान चीनी, पठान पठाका गंडेरी मटर दश्ती पश्तो भाषा के शब्द हैं, एजेंडा कोरम इंच मशाल पेंशन स्थूल स्कूल रेडियो राशन लैटिन भाषा के शब्द हैं, टमाटर कोको मैक्सिकन भाषा के शब्द हैं, एटम रमल एकेडमी एटलस यूनानी शब्द हैं। बच्चों यदि आप देखेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे विदेशी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कॉलर, कफ, बटन इत्यादि। ऐसे शब्दों की आप सूची बनाइए कि हम अपने दैनिक जीवन में कितने तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं, देशज शब्द का प्रयोग करते हैं और विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।